Assalamu alaikum student, welcome back इस वीडियो में हमने फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी करना है और फिज़िक्स के बारे में जो एंटी टेस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने डीप में डिस्कस करना है और उसको स्टडी करना है और इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स के जो चैप्टर वन है उसके बारे में पास्ट एम और इम्पोर्टेंट एम जो कि टेस्ट में आए हुए हैं और जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं नस्ट एन ई या के म्यूट कस्ट या ए या कोई भी दूसरी एंटी टेस्ट हो तो ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट uh, है और इस चैप्टर में

बी ऑप्शन है फोर्स सी ऑप्शन है वेलासिटी स्क्वायर डी ऑप्शन है एक्सिलेशन अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का जो है डायमेंशन क्या होता है ठीक है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले तो आपको एनर्जी डायमेंशन का पता होना चाहिए कि एनर्जी डायमेंशन है क्या चीज़ उसके बाद ही आप मालूम कर सकोगे कि, कि इसका डायमेंशन जो है इनमें से किसके इक्वल हो सकता है और अब दूसरा यहाँ पे जो ट्रिक है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसका जो है डायमेंशन पता नहीं है तो आप ऑप्शन में से देख के भी बता सकते हो कि जो है शॉर्ट ट्रिक जो है कि आप इसको एलिमिनेट करके अब आपको पता है एक्सलेशन का डायमेंशन पता है फोर्स का डायमेंशन पता है और विलासिटी क्या पता है तो आपको ये चीज़ पता है तो आप इसको एलिमिनेट करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी है क्या चीज़ एनर्जी जो है एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर वॉल्यूम और पर मास एनर्जी पर वॉल्यूम और पर मास को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे पहले हम एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे उसके साथ हम जो है वॉल्यूम या पर मास को डिवाइड कर लेंगे अब यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन ये निकला और जो है पर वॉल्यूम जो है उसका एल थ्री हो जाएगा और माइनस में क्योंकि वो अपॉन में आ जाएगा क्योंकि पर है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है डायमेंशन एनर्जी पर जो है डेंसिटी का डायमेंशन बन जाएगा ठीक है एनर्जी डेंसिटी का ये बन गया अब यही सेम जो है वो है प्रेशर का डायमेंशन अगर आप देखें तो प्रेशर और इसका डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है तो उसका आंसर जो होगा प्रीवियस का वो होगा कि करेक्ट आंसर है प्रेशर तो एग्जैक्टली exactly प्रेशर और इनका जो डायमेंशन है वो सेम है अब अगर मैं आपको और बताऊँ तो ये जो है एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर और यंग स्मार्डुलस का डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है अगर आप ये स्टडी करें तो एनर्जी डेंसिटी प्रेशर और और तीनों का या तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे ही MCQs आपको पूछ जाते हैं और आपको यही एम जो है आपको बता टेस्ट में आते हैं और ऐसे ही ट्रिक्स के बेसिस पे आप इनको सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये एम सी के से ये पूछ रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम आ, आ, फोर्स अप्लाई करें तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती उसके ऑप्शेट इन्होंने दिए लेंथ मास एरिया स्पीड अब अगर आप सोचें कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट पे अगर, अगर अप्लाई करें फोर्स तो ये चेंज नहीं होती तो आप अगर सोचें तो लेंथ भी चेंज हो सकती है क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है एरिया बढ़ सकती है स्पीड भी बढ़ सकती है क्योंकि आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है एक ही चीज़ है मास क्योंकि मास

तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो आ, जो है ऐसे मोशन में भी आ जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर है मास ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है फॉर वाट फिजिकल क्वान्टिटी इज़ द पासिकल अट अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो, कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी का पासिकल यूनिट है अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए स्ट्रेस प्रेशर यंग्स मॉड्यूल्स एंड ऑल ऑफ दिस अगर आप स्टडी करें तो स्ट्रेस प्रेशर यंग्स मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया कि प्रेशर और यंग मॉड्यूल्स का जो डायमेंशन है वो सेम है मीन्स डायमेंशन सेम है तो मतलब फिजिकल क्वान्टिटी सेम है और इसका यूनिट मीन्स सेम ही होगा तभी उनका जो है जो माड डायमेंशन बनना है वो सेम बनना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ आलाफ्तीज क्योंकि इन दोनों का अगर आप, आपको स्ट्रेस का पता नहीं है लेकिन अगर इन दोनों का भी पता है तो आप समझ जाते हो अगर इन दोनों का सेम है तो लाजमी है, इनका सेम होगा तभी ये ऑफ आलाफ्तीज़ होगा अदरवाइज़ वहाँ पर आपको देखिएगा बी और सी इस करेक्ट तो आप वहाँ पर एम सी यूज़ के ऑप्शन में से भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता तो आप यहाँ पे वो माइंड बना के वो इसका सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट है इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर अगर एक्सप्रेस इन अगर आप साइन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ें तो साइंटिफिक नोटेशन है और साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है और वहाँ पे हम क्या करते हैं पावर ऑफ टेन पे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है पावर ऑफ टेन यहाँ पे ऑप्शन दिए है पावर ऑफ टेन अगर हम बी ऑफर्ड देखें तो पावर ऑफ़ टू पावर ऑफ टू में हम किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते रेसिप्रोगल डेसिमल तो ये ऑप्शन गलत है तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही है कि पावर ऑफ टेन पर हम जो है साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर दिया उसके बाद है यहाँ पे उन्होंने नंबर दिया कैन बी रिटेन इन साइंटिफिक नोटेशन अब हमने यहाँ पे प्रीवियस जो एम में उसमें देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम जो है पावर ऑफ टेन में जो है एक्सप्रेस करते हैं या जो है लिखते हैं अब यहाँ पे आप देखें कि सारे नंबर जो है इसे लिखें पावर ऑफ़ टू में लिखें या डेसिमल में या फ्रिक्शन में तो करेक्ट आंसर हमने देखा कि जो पावर ऑफ टेन में है वो है अब यहाँ पे क्या करना है इन्हों इन्होंने क्या किया यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे होनी चाहिए तो इसने क्या किया है पॉइंट को यहाँ पे ले आया है और उसने टेन के साथ थ्री पावर रख के मल्टीप्लाई कर दिया है तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा और हमने पढ़ा भी कि पावर ऑफ टेन में हम इसको नोट करते हैं। ठीक है ये भी क्लियर हो गया उसके बाद है प्रीफिक्स डी का रिप्रेजेंट अब आपने यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो याद करने हैं और एग्जैक्ट जैसे लिखे हुए हैं उन जिनकी वैल्यू जैसी है आपको एग्जैक्ट वही याद करनी है और वही जो है आपको इन डिटेल्स में पूछे जाते हैं और आपको एग्जैक्ट वही जो है ऑप्शन में दिए जाते हैं तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और इसका जो है जो एम सी क्यूज में है ऑप्शन सही कौन सा वाला होगा ठीक है तो ये सारे जो है जो है पिको फेरा ये सारी चीज़ जो भी हैं आपको याद करनी है दोनों टेबल्स सफिक्स और प्रीफिक्स की ठीक तो है तो डेका का यही है टेन पावर वन अब वहाँ पे आपको मैं जो है इसकी टेबल जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसकी टेबल जो है डाउनलोड कर सकते हो जैसे माइक्रो हो गया मिनी मिली हो गया ऐसे ही इसकी टेबल होती है अब नेक्स्ट टाइम से क्यों द ए एर इन्वायरमेंट मै अक्कर टू अब यहाँ पे यहाँ से पूछ रहा है कि ये कौन सी एरर है किस वजह से अक्कर हो सकती है कोई भी एरर है अब यहाँ पे साइंटिफिक एरर्स की बात कर रहे हैं हम कि अगर किसी भी लैब में एरर हो रही है एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एरर किस किस वजह से अक्कर हो रही है इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन ठीक है दूसरा है फॉल्टी अपार्टस मींस अगर कोई भी एक्यूमेंट एक, फॉल्ट में है या मतलब उसमें कोई फॉल्ट है उस वजह से या अन्प्रोमेंट मेथड मतलब आप जो उस मेथड से आ, मैयर कर रहे हो कुछ वो मेथड गलत है या जिस मेथड से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो गलत है तो अब आप अगर देखें तो ये सारे ऑप्शन सही है क्योंकि सारे वजह से हमारे हमारे एरर आती है अगर आप इन एक्सपीरियंस होगा अगर, अगर आप सही मैय नहीं करें तो भी आपके एरर आएगी अगर फॉल्टी अपराटिस है, है तो भी रह आएगी और इनपर इन अप्रोपरेट इन पर इन पर इन पर इन पर मेथड आप यूज़ करोगे तो भी एरर आएगी तो करेक्ट आंसर इसका ये है डी आला हफ्तीस उसके बाद नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन मैयरमेंट में अक्कर ड्यू टू अब अनसर्टेनिटी मतलब जो है आप बोल सकते हो कि आप श्योर नहीं हो किसी भी मयरमेंट के बारे में अगर आप श्योर नहीं हो तो वो किस वजह से होती है उसका ऑप्शन ये है कि लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब लिमिटेशन का मतलब ये हो गया कि एक एक मीटर है जो आप जिस पे आप मैर कर सकते हो रेजिस्ट टे, टेन के तक या एक जो है लेंथ मयरिंग रॉड है जिस पे आप टेन मीटर मैर कर सकते हो लेकिन आप उस पर पंद्रह मीटर मैयर करना चाह रहे हो ठीक है तो फिर वो क्या होगा अनसर्टेनड हो जाएगी आपके मयरमेंट में क्योंकि मीटर खुद टेन मीटर का है और आप उससे ज्यादा मैयर करवा रहे हो तो वो लाजमी है आपको एरर वाला आंसर देगा उसके बाद बी ऑप्शन है नेचुरल वेरिएशन ऑफ द तो ऑब्जेक्ट इन टू तो बी मैर ऑब्जेक्ट में जो वेरिएशन आ रही है उसको मेयर करना उसके बाद इनएडिकेट ऑफ टेक्निक मतलब जो आ, सही टेक्निक है उसको ना यूज़ करना ठीक है एक टेक्निक है आप किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्डाइज है कि आप इससे ही मालूम करो और आप वो सही से यूज़ नहीं करें और वो टेक्निक यूज़ नहीं करें तो लाजमी है कि आप जो है आ, जो होगी रिज़ल्ट उसमें अनसर्टेंटी होगी और आप श्योर नहीं होगे उस रिजल्ट के बारे में तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट और ये सारे ऑप्शन इस